नमोनारायण जी, नमोनारायण जी, नमोनारायण जी। मित्रों, मैं आपका मित्र डॉक्टर नारायण आचार्य, रतन व ज्योतिष एक्सपर्ट चंडीगढ़ से। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ विशेष विशेष और विशेष रत्न ओपल के विषय में। ओपल दोस्तों, एक आता है नॉर्मल ओपल, एक आता है फायर ओपल और एक आता है डबल फायर ओपल। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं तो आपको डबल फायर ओपल जो काम कर सकता है वो दूसरा ओपल नहीं कर सकता। शुक्र यदि आपका 10 डिग्री से नीचे बैठा हुआ है तो आपको डबल फायर ओपल प्रयास करना चाहिए। यदि आपका सामान्य कैटेगरी का काम है, आप बिल्कुल नॉर्मल ओपल भी पहन सकते हैं, लेकिन ओपल में क्या है दोस्तों, फायर होती है। जो नॉर्मल ओपल होगा उसके अंदर फायर होगी और जो अच्छा ओपल होगा उसके ऊपर हल्की हल्की बिंदी बिंदी डॉट 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 से दिखाई देंगे और वो चमचमाते होंगे बहुत सुंदर। जैसा कि मैं पहले भी एक वीडियो में आपको दिखा भी चुका हूँ, जिसके ऊपर प्लेट के ऊपर फायर दिखाई दे वो सिंगल साइड का ओपल हो गया, और जिसके ओपल के ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ अगर वो डॉट 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 जैसा सुंदर सुंदर रंग बिरंगे का डॉट लगी हुई हो तो वो डबल फायर ओपल हो गया। डबल फायर ओपल दोस्तों शुक्र को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, इतना बूस्ट करता है कि अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ अगर बहुत डिस्टर्ब है तो यहाँ पर ये रत्न काम कर सकता है आपकी कुंडली में। दोस्तों, यदि शुक्र नीच का है या शुक्र उच्च का है और कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, इसको अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं और उसके बाद यदि आप ओपल रत्न धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए ओपल ने जो आपको दे दिया वो शायद कोई ना दे। दोस्तों, मैं ओपल रत्न की कुछ विशेषताएं बताऊंगा। ओपल रत्न ऑस्ट्रेलिया का आता है, नंबर वन बेस्ट क्वालिटी, नंबर दो इटालियन आता है, नंबर तीन इथोपियन आता है। जो इथोपियन है वो बहुत सुंदर होता है, उसमें फायर बहुत होती है, लेकिन इथोपियन का एक माइनस पॉइंट क्या होता है, इथोपियन जो ओपल है उसके अंदर जैसे ही वाटर टच होता है, जैसे ही पानी टच करेगा तो उसका जो ग्रेस है, जो उसकी सुंदरता, जो उसके अंदर कलर दिखाई देंगे वो गायब हो जाएंगे, और जैसे ही पानी सूखेगा वो कलर वापस आ जाएगा। अगर आपने हाथ में पहन लिया और आपने वाटर बार बार टच हो रहा है तो उसका जो दिखने में सुंदर नहीं दिखेगा, लेकिन लाभ बहुत अच्छा होगा। और अच्छी बात यह है कि इथोपियन जो ओपल है वो ऑस्ट्रेलियन से कहीं ना कहीं सस्ता आता है। बहुत सारे लोग इथोपियन की सुंदरता को दिखा करके उसे और कई गुना ज़्यादा महंगे रेटों में भाव में बेच देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा सस्ता, बहुत सस्ता मिलता है आपको इथोपियन ओपल, या फिर आप इटालियन ले सकते हैं सामान्य कैटेगरी का। लेकिन ज़्यादातर जो अच्छी फायर है वो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपल में मिलेगी, और डबल फायर शुक्रवार का दिन चांदी की धातु में बाएं हाथ के अंदर मिडल फिंगर में या इंडेक्स फिंगर में, क्योंकि शुक्र पर्वत यहाँ पे है तो आप इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, शनि शुक्र मित्र योग में यहाँ पे मिडल फिंगर में पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 9:15 बजे, 10:15 बजे या और प्रातःकाल सुबह 6:15 बजे भी, और बेस्ट पहनना है तो शाम को 5:15 बजे सायंकाल के समय में शुक्राचार्य है, आप ब्राह्मण के द्वारा पहनिए तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, मैं बता दूं, ओपल रत्न फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक, लव लाइफ, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक इंडस्ट्री और ऐसे जो काम जो लग्जरी से रिलेटेड है, होटल इंडस्ट्री में आप ट्राई कर रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं, या आप अपना लक कोई क्रिएटिविटी किसी वर्क में आजमा रहे हैं, या ऐसा काम जो इंटीरियर डिज़ाइनर हो, फैशन हो, ऐसी कोई चीज़ का अगर आपका काम है तो उसमें अगर आप भाग्य आजमा रहे हैं तो आपको ओपल सूट करेगा, बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं। आपका इंटीरियर वर्क है, आप कोई बहुत अच्छे बिल्डर है, बिल्डर में आप सुंदरता घर, अच्छे अच्छे घर बना के बेचते हैं, तब भी आपको ओपल प्रयास करना चाहिए। लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते, आपकी बात को कोई सुनता नहीं, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उस केस में भी आपको ओपल रत्न धारण कर लेना चाहिए। ओपल दोस्तों अपने आप में खास रत्न है, बहुत विशेष है। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए नारायण जी को, फिर एक नए विषय के साथ मिलते हैं, और आप हमारे जो चैनल एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण और नारायण एस्ट्रो इंडिया जेमस्टोन चैनल को दोस्तों आप हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों आप अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।